हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि फाउंडेशन बिना यूज़ किए आप इजीली मेकअप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। शुरू में आपको स्किन को अच्छे तरह से मॉइस्चराइज कर लीजिए कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम से। अगर आपका ड्राई स्किन हो या फिर ऑयली स्किन, कुछ भी हो आप कर सकते हैं। अच्छे तरह से मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया, फिर उसके बाद मैं प्राइमर लगा लूँगी। आप फेस ऑयल भी लगा सकते हैं। मेरा स्किन ऑयली है तो इसीलिए फिर भी मैं प्राइमर अच्छे से यूज़ कर लूँगी। और फिर मैं अपने आईब्रो को बना लूँगी। फिर इसे अच्छे से आईब्रो कलर से या फिर पेंसिल से भी आप अपना आईब्रो कर सकते हैं। इसके बाद मैं करूँगी कि मैं कॉन्सीलर ले लूँगी। कोई भी अच्छा सा कॉन्सीलर आप ले सकते हैं जो फुल कवरेज हो। उसे मैं अपने जहाँ जहाँ मेरा पर डार्क सर्कल है या फिर थोड़े दाग, बहुत दाग धब्बे है रेडनेस से, वहाँ पे मैं कवर कर दूँगी कॉन्सीलर से। फिर मैं एक ब्रश से अच्छे से उसे ब्लेंड कर लूँगी। हमें कॉन्सीलर को अच्छे से ब्लेंड करना है क्योंकि मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी तो इससे, ताकि कॉन्सीलर नहीं दिखे, तो इसलिए मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से अपने कॉन्सीलर को अच्छे से ब्लेंड करके अपने स्किन में मिक्स कर दूँगी। ज़्यादा ना दिखे कि है, ताकि उसके कॉन्सीलर को ज़्यादा हेवी ना लगे। तो इसे अच्छे से ब्लेंड करना है पर एकदम से गायब नहीं करना है। हमें थोड़ा सा रग रहना है और धीरे थोड़ा सा हमारे स्किन के साथ बिल्कुल मिक्स कर देना है ताकि दाग धब्बे और डार्क सर्कल भी छुप जाए और फिर और अलग से उसे नज़र ना आए, क्योंकि हम फिर उसके ऊपर हम पाउडर यूज़ करेंगे। तो हमें फाउंडेशन यूज़ करने में क्या होता है कि कभी कभी हमें मन नहीं करता कि बहुत ज़्यादा उसे ब्लेंड करना पड़ता है, तो हमारा जल्दी जल्दी मेकअप करने के लिए प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए इसके बाद मैं क्या करूँगी, आई शेडो, कोई भी आई शेडो ले लीजिए अपना, और अपने आई के ऊपर आई शेडो ला लीजिए। अपने आई मेकअप भी कंप्लीट कर लीजिए। मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। पिंक के साथ मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स करूँगी, थोड़ा डार्क पिंक और लाइट पिंक। मैं अपने थोड़ा इनर कॉर्नर में थोड़ा सा सिमरी लगा दूँगी। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। आउटर कॉर्नर में मैं थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ कर लूँगी। मेकअप जल्दी से हो जाए, कभी कभी हमें मन होता है कि जल्दी से मेकअप कर लूँ, तो इससे आपको बहुत इजी होगा। और फाउंडेशन लगाने के बाद आपका बहुत ज़्यादा हेवीनेस नहीं लगेगी। ऐसे आप अगर मेकअप करेंगे तो आपका स्किन, आपका फेस ज़्यादा हेवी नहीं होगा और फिर जल्दी से आपका मेकअप भी हो जाएगा बहुत ईजीली। फिर मैं थोड़ा सा काजल भी लगा लूँगी। आप भी कोई भी काजल लगा सकती है या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते अगर ना लगाने का मन हो तो। मैं थोड़ा सा और वही मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लेके नीचे की आई लिड पे मैं छोटे से ब्रश से मैं अच्छी तरह से उसे ब्लेंड कर दूंगी काजल को और उसे आई शेडो को। फिर मैं थोड़ा सा लाइनर भी लगा लूँगी। मैं ज़्यादा हैवी लाइनर नहीं करूँगी तो ब्लैक लाइनर से मैं फिर मास्कारा भी हमें ऐड करना है। मास्कारा भी मैं लगा सकती हूँ। तो इसके बाद मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। अब मैं क्रीम कंट्रोल ले लूँगी। आप स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं या फिर क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। जो कंट्रोल है थोड़ा सा डार्क कंट्रोल आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं अच्छे तरह से अपने स्किन के ऊपर कंट्रोल यूज़ करके उसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। ज़्यादा नहीं ब्लेंड करना है, नहीं तो गायब हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा सा ब्लेंड करना है ताकि वो दिखे। और अच्छे तरह से अपने कट क्रीज करना है और अपने फेस को अच्छे से कंट्रोल कर लेना है। मैंने कर लिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा लिक्विड ब्लश भी ले लूँगी। अगर आपको ब्लश लगाने का मन हो तो नहीं लगा सकते लिक्विड ब्लश या फिर ना भी लगा सकते। तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा लेके लिक्विड ब्लश मैंने अच्छे से अपना स्क्रीन पे लगा लिया। इसे भी ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, थोड़ा सा रख देना है, छोड़ देना है। इसके बाद हमें सेटिंग स्प्रे से अपने फेस को पूरी तरह से स्प्रे कर देना है। इससे हमारा जो क्रीम वाला प्रोडक्ट है वो अच्छे से हमारे क्रीम स्किन के साथ लॉक हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा ट्रांसल्यूशन पाउडर लेके अब जो जो जगह पे मेरा खाली है, मतलब जो जहाँ पे मैंने ब्लश कंट्रोल यूज़ नहीं किया वहाँ पे मैं थोड़ा सा लगा लूँगी। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी और पूरे चेहरे पे, पूरे फेस पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से कवर कर दूँगी ताकि हमारे जो मेकअप ब्लश कंट्रोल लगाए थे वो पूरी तरह से सेट हो जाए, लॉक हो जाए। और इसके बाद हमें फिर से अच्छे से इसे पाउडर को, कॉम्पैक्ट पाउडर को लगा लेना है। और फिर लास्ट में मैं फिर से पाउडर कंटूर है उसे मैं लगाऊंगी। जहाँ जहाँ मैंने क्रीम कंटूर यूज़ किया तो वहाँ पे पाउडर कंटूर यूज़ कर लूँगी ताकि अच्छे से वो दिखे, क्योंकि क्रीम कंटूर हमेशा हट जाता है। उसके बाद मैं पाउडर ब्लश भी यूज़ करूँगी। मैं अब थोड़ी देर जहाँ पे क्रीम ब्लश लगाए तो वहाँ पे पाउडर ब्लश लगा लूँगी। उसके बाद मैं पाउडर हाइलाइटर भी यूज़ करूँगी। आप क्रीम हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर पाउडर हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं।
तो मैंने बस पाउडर हाइलाइटर यूज़ कर लिया। उसके बाद लास्ट में मैं फिर से एक बार सेटिंग्स पे यूज़ करके अपने पूरे मेकअप को लॉक कर दूँगी। देखिए मेरा मेकअप पूरी तरह कंप्लीट हो गया। लाइट में मैंने अपना चेहरा को देखिए कितना सिंपल सा इजी सा है और लाइट मेकअप है। ओके कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ओके टेक केयर बाय।